अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपको देने जा रहा हूं एक और अपडेट, एक और जानकारी। जैसे कि आप सबको पता है मैं अपने चैनल पर वीडियो बनाकर डालता रहता हूं, सऊदी अरबिया से गैर मुल्कियों के लिए जानकारी देता रहता हूं। तो आज की जानकारी भी बहुत अहम है, बहुत ही बेहतरीन अपडेट है। जैसे कि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो दिखाई दे रही हैं एयरपोर्ट की, जिस पर तमाम लोग जो हैं, या यूं कह लीजिए कुछ लोग अपने लैगेज के अंदर, अपने सामान के अंदर आबे जमजम के पानी की बोतल छोटी छोटी रखकर ले जा रहे थे और उनका सामान खोल दिया गया और वो बोतलें निकाल दी गईं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप सामान के अंदर, लैगेज के अंदर जो है वो आबे जमजम का पानी या कोई भी लिक्विड चीज लेके ना जाएं, क्योंकि ये बहुत पहले से हुकूमत की तरफ से बता दिया गया था कि ये लैगेज के अंदर आप जमजम नहीं ले जा सकते या कोई भी लिक्विड। तो बेहतर है आप ऐसा ना करें, इससे आपका डबल नुकसान है। एक तो आपका वक्त जाया होगा, दूसरा आपको सामान खोलना पड़ेगा और वो फिर निकालना पड़ेगा, जैसा कि कुछ वीडियो देखने को मिल रही हैं। और अहलकारों को भी परेशानी होती है, जो एयरपोर्ट अधिकारी हैं उनको भी। तो बेहतर है जो निज़ाम है आप उसी के तहत चलें। जब आप अपना टिकट लें तो अपने टिकट डीलर से जानकारी ले लें, पता कर लें कि क्या क्या सिस्टम है, तो उसी तहत आप जाएं, उसी के तहत, तो ये बेहतर है। और एक अपडेट है वजारत हज उमरा की तरफ से, जिन्होंने बताया है कि हज सीजन के बाद अब उमरे का भी आगाज कर दिया गया है, यानी कि अब आप उमरे के लिए जा सकते हो 19 जुलाई से, यानी कि आज ही से उसका आगाज कर दिया गया 19 जुलाई मंगल के रोज से। आप अपने एतमरना ऐप से परमिट हासिल कर सकते हैं, इजाजतनामा ले सकते हैं। ये दाखिली लोगों के लिए है, चाहे उसमें मुकीम गैर मुल्की हों या सऊदी शहरी, सभी जो हैं उम्रे के लिए जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतरीन अपडेट। और साथ साथ उन्होंने बताया यकुम मुहर्रम से जो है बाहरी मुल्कों से भी लोग बाग आ सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन अपडेट मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।